अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महेंद्रगढ़ में बिजली कर्मचारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। आज महेंद्रगढ़ में केंद्रीय परिषद के आह्वान पर 220 केवी पावर हाउस महेंद्रगढ़ के प्रांगण में कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया, जिसकी अध्यक्षता सतीश लांबा सिटी सब यूनिट प्रधान ने की, जिसमें निगम प्रशासन ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई तथा मंच संचालन हनुमान सैनी शबर एक यूनिट प्रधान HSCB ने किया तथा कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्रीय कार्यकारिणी के फैसले के अनुसार हिसार की सात रोड सब डिवीजन के जो 5 कर्मचारियों को नाजायज तरीके से निलंबित किया गया और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए, उन कर्मचारियों को जब तक बहाल नहीं किया जाता एवं उनके खिलाफ दर्ज FIR निरस्त नहीं की जाती तथा इसमें संलिप्त अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया जाता, तब तक HSCB वर्कर यूनियन के द्वारा कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा तथा कोई भी कर्मचारी कार्य नहीं करेगा। इसके लिए जनता को जो भी परेशानी होगी उसके लिए निगम प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। यह आंदोलन लगातार 23वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन निगम प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। मजबूरी में यूनियन ने यह कदम उठाया है। आज के पूरे दिन रोष प्रदर्शन में महेंद्रगढ़ के सभी बिजली कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया व कार्य का बहिष्कार किया। इस मौके पर हरियाणा कर्मचारी महासंघ के जिला प्रधान शिव कुमार यादव ने अपने संबोधन में बताया कि अगर निगम प्रशासन अपनी मनमानी नहीं छोड़ेगा तो निलंबित कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया तो हरियाणा कर्मचारी महासंघ को भी इस आंदोलन में अपना सहयोग देना पड़ेगा तथा यह आंदोलन HSCB वर्कर यूनियन का ना होकर हरियाणा कर्मचारी महासंघ का आंदोलन होगा। इस मौके पर सभी बिजली कर्मचारी व हजारों की तादाद में बिजली विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश मुख्य सलाहकार HSCB वर्कर यूनियन, हमारा आज HSCB वर्कर यूनियन के जो हमारे 6 साथी निलंबित कर दिए गए मैनेजमेंट के द्वारा, इन इसके विरोध में धरना हमने 29 तारीख को भी किया था और उसी को लगातार जारी रखते हुए आज हमने हमारा अपना ये विरोध प्रदर्शन मैनेजमेंट के खिलाफ, मिस्टर शांगवान SDO के खिलाफ, विजेंद्र लांबा एक्शन के खिलाफ व रजनीश गर्ग SC के खिलाफ, और हमारी सिर्फ एक ही डिमांड थी, आज भी वही डिमांड चली आ रही है कि जिन कर्मचारियों को 6 को हमारे को बर्खास्त किया गया है विभाग ने, इन 3 अधिकारियों के कहने के ऊपर इनकी एक उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और जो विभागीय अधिकारी हैं, संजय शांगवान है, विजेंद्र लांबा एक्शन है या रजनीश गर्ग SC है, इनको भी बर्खास्त किया जाए, क्योंकि अकेले कर्मचारी हमारे दोषी नहीं है जबकि कर्मचारियों से ज़्यादा ये अधिकारी दोषी हैं। इसलिए एक जांच करवा करके और बिल्कुल पूर्ण न्याय किया जाए, जो हमारे कर्मचारी निलंबित हैं उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और कमेटी की रिपोर्ट आने के ऊपर जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा तो हमारा HSCB वर्कर यूनियन का ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक इन 3 अधिकारियों के खिलाफ मैनेजमेंट, निगम मैनेजमेंट या प्रदेश सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। इसी विरोध में हमारा आज दूसरे दिन में प्रवेश कर गया और आने वाले समय में भी ये अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा हमारा धरना प्रदर्शन। कुमार यादव, जिला प्रधान हरियाणा कर्मचारी महासंघ। आज हमने लगातार दूसरे दिन भी हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड HSCB वर्कर यूनियन के तत्वाधन में उनके आदेश अनुसार आज हमारा काम छोड़ो अभियान अभी चला हुआ है और निगम मैनेजमेंट से मैं यही वो चेतावनी देता हूँ हरियाणा कर्मचारी महासंघ की तरफ से कि या तो जो हमारे 5 साथी हैं उनको बहाल करके जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष HS अधिकारी से किसी से भी जांच करवाई जाए। यदि समय रहते या निगम प्रबंधन अगर ये काम नहीं करते हैं तो हरियाणा कर्मचारी महासंघ इस आंदोलन को एक HSCB यूनियन का आंदोलन न करके और हरियाणा कर्मचारी महासंघ का आंदोलन होगा और इसमें आर पार की लड़ाई होगी और इसमें सरकार का जो भी नुकसान होगा वो सरकार की जिम्मेवारी होगी।